बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम असातिज़ा किराम, सरकारी मुलाजमीन, कल से परसों से बल्कि शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, और इसके अलावा एक आध और मामले के ऊपर आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो मैं मुजम्मत करता हूं जो लेडी हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सुपरवाइजर जो है हमारी, वो धरने में शामिल थी और उनको जो है ना कुछ नोटिसेज इश्यू किए गए हैं कि वो एहतजाज में क्यों शामिल हुई। उस हवाले से उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं, और अगर उनके नोटिसेज ये वापस ना हुए तो हमें फिर दोबारा हो सकता है दोबारा सड़क पे आना पड़े, और हम उनके साथ इंशाल्लाह हर वक्त खड़े रहेंगे। दूसरी बात आपसे करनी है कि बहुत दफा कहा, बहुत दफा बहुत सारी खबरें होती हैं जिनको आप खुद भी बगैर तस्दीक के जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसे फैलाते हैं, कोई स्कूल का मामला हो, कोई स्कूल टाइमिंग का मामला हो, और अब जैसे कल से माजरत के साथ इसमें हमारे कुछ लीडरान भी कल से शामिल हो गए जिन्होंने आधी खबर को अपने शायद नंबर बनाने के लिए बता दिया कि जी समरी जो है वजीर आला ने अप्रूव कर दी है, कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वो कल तो गुजर चुका है, नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ। तो फिर जो ये इस तरह की खबर चलाते हैं जो लोग, उनसे फिर पूछना भी आपका काम बनता है कि भाई आपने कल ये खबर चलाई थी तो क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बात यह है कि जब आप किसी बात को, किसी खबर को सुने देखें तो कम से कम उसको आगे फैलाने से पहले उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर लिया करें। समरी जो है या कोई भी गवर्नमेंट के हवाले से काम होता है ना, उसका अपना एक प्रोसीजर होता है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जो उस दिन मीटिंग में हमारे साथ वादा हुआ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब के और दीगर जो हमारे साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी थे मीटिंग में, सेक्रेटरी INC थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे और दीगर जो लोग शामिल थे, वो उस समरी ने अपने आप मंजूर होकर उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाना, वो एक प्रोसेस के जरिए जानी है। CM साहब से पहले उसकी इजाजत मिलनी है कि उसको कैबिनेट में पेश किया जाए, फिर कैबिनेट की कमेटी होती है, उस कैबिनेट की कमेटी ने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, उसके बाद कैबिनेट के नेक्स्ट एजेंडा इजलास के अंदर वो रखी जाएगी, वो इजलास का एजेंडा आपके सामने भी आ जाएगा। जब तक एजेंडे के अंदर शामिल नहीं होती और फिर उसके बाद वो कैबिनेट जो है पंजाब की वो उसकी मंजूरी नहीं दे देती, उससे पहले तो कोई नोटिफिकेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती, कई लीडरान भी सोशल मीडिया पे आ गए जो है ना, वीडियो बयान भी चला रहे थे और खबरें चला रहे थे जी, मैसेजेस चला रहे थे जी, समरी हो गई, समरी मंजूर हो गई जी, कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और तो भाई कल तो वो गुजर चुकी है, तो उस कल का नोटिफिकेशन दिखा दें अब हमें जरा। तो आप लोग भी साझा क्राम और सरकारी मुलाजमीन खबर को शेयर करने से पहले या ग्रुपों में लगाने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें। इंशाल्लाह इस हवाले से पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है, हम रबते के अंदर हैं, बाकी दोस्त भी रबते में हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हम पता कर रहे हैं, ये आपके सामने आ जाएगा सब कुछ जब कैबिनेट की उस इजलास के अंदर रखा जाएगा। अभी उसके ऊपर पॉजिटिव वर्किंग जारी है। और इसके साथ जो दूसरी बात करनी है इंतहाई अहम है, वो है पे प्रोटेक्शन एंड सर्विस प्रोटेक्शन के हवाले से। हमारे कुछ दोस्त अदालत में इस हवाले से बड़े अच्छे से लगे हुए हैं, अदालतों के फैसले भी आ गए, लेकिन उस दिन जिस दिन हमारा एहतजाज था उस मीटिंग के अंदर पे प्रोटेक्शन की बात भी हुई और पे प्रोटेक्शन के अंदर बड़ी अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रेस चीफ सेक्रेटरी साहब की।